दोस्तों नमस्कार। आज एक खबर बहुत ज़रूरी जो आपको बतानी है कि कोरोना ने मायावी की तरह अपना रूप बदल लिया है। अब इसके जो पुराने लक्षण हैं उनसे हट के अब कुछ नए लक्षणों के साथ ये सोसाइटी में दिखता जा रहा है। ये नए लक्षण कौन से हैं, इनको कैसे पहचानेंगे, इस ज़रूरी बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के जो पुराने सिम्टम्स थे उसमें बुखार आना, खांसी होना, सर्दी लगना, नाक का बहना, गले में दर्द होना या गले में खराश होना, इसके साथ साथ बॉडी एक यानी कि पूरे शरीर में दर्द होना, मसल पेन होना, ये सारे सिम्टम्स थे जो शुरू में आए थे। थोड़े दिनों के बाद एक नया सिम्टम अपीयर हुआ कि कुछ लोगों के स्वाद में अचानक से कमी आ गई या स्वादहीन उनको लगने लगे सारे खाने के पदार्थ, लॉस ऑफ टेस्ट। इसके बाद फिर सुनने में आया कि लॉस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की शक्ति कम हो गई या चली गई। तो ये दो नए सिम्टम थे। अब इसी तरह कुछ और नए सिम्टम्स आ गए हैं जिनको जानना और जिनकी डायग्नोसिस अपने आप करना बहुत ज़रूरी है। जब ये सिम्टम दिखें तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, उनको बताएं ताकि इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो सके। लेकिन ये सिम्टम्स हैं क्या, आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला सिम्टम यह है कि आपकी आँख में लालामी आ जाना, पिंक आई या रेड आई, यानी कि आँख में लालामी हो जाए या पिंक कलर की हो जाए, सूजन हो जाए और आँखों से पानी बहने लगे, तो इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अपनी आँख में जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ये हमेशा सफ़ेद ही रहता है, लेकिन कंजक्टिवाइटिस में ये लाल हो जाता है तो आँखें लाल दिखने लगती हैं। जब भी आँखें लाल हों तो सतर्क हो जाएँ, ये कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम जो है वो कानों से संबंधित है। जब भी आपको कान में अजीब आवाज़ आने लगे, एक कान या दोनों कान में, इसके अलावा कान की जो सुनने की शक्ति है वो कम हो जाए या बंद हो जाए, लॉस ऑफ हेयरिंग, तो सतर्क हो जाइए कि ये कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। और तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि पेट से संबंधित। अगर आपको उबकाई आने लगे, उल्टी आने लगे, पेट में दर्द होने लगे या पतले दस्त आने लगे, तो ये सब GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेट के सिम्टम्स हैं। ये भी अगर आपको अचानक से अपियर होते हैं तो समझ लीजिए ये कोरोना का एक लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको आँखों में कोई तकलीफ़ हो, कान में कोई तकलीफ़ हो या पेट में कोई तकलीफ़ हो, जैसा कि मैंने जो लक्षण आपको बताए, तो सतर्क हो जाइए, तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए, ये लक्षण भी कोरोना में हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तीनों लक्षण जो नए मैंने बताए ये एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी में केवल रेड आई है, किसी में केवल पेट के लक्षण हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें तीनों लक्षण हो। तो किसी भी एक लक्षण या एक से ज़्यादा लक्षण होने पर डॉक्टर से मिलें और अपनी डायग्नोसिस कराएं। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतना ही फ़ायदा होगा, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस उतने ही कम हैं। मैं हर बार की तरह फिर एक बात कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव का एक ही रास्ता है, वो है प्रिवेंशन, यानी कि जो तीन तरीके बताए गए हैं उन पे डटे रहना है, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और 2 मीटर की दूरी। इसके अलावा जो ये वैक्सीन नाम का टूल अपने पास आया है इसके बारे में बहुत गफलत है, बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल विश्वास मत करिए। वैक्सीन अभी तक सबसे सफल हथियार है कोरोना से लड़ने में। जब आपका नंबर आए तो वैक्सीन ज़रूर लीजिए। वैक्सीन सब में 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती है, लेकिन अधिकांश लोगों में वैक्सीन का असर देखा गया है। वैक्सीन लगने के बाद भी जो बीमारियां हो रही हैं वो बीमारियां गंभीर नहीं हो रही, उससे रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो वैक्सीन एक्चुअली जीवन रक्षक की तरह काम कर रही है। तो आज के इस एपिसोड में आपके जो भी सवाल हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और उसमें जो बेल बटन है उसको भी दबाइए। आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।